नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NK एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ BSTC की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी थर्ड काउंसलिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उन विद्यार्थी से मेरी रिक्वेस्ट है कि थर्ड काउंसलिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, उसका मैं इस वीडियो के अंदर प्रूफ भी दूंगा। साथ ही साथ आपको क्या अपवर्ड मूवमेंट के बाद क्या कुछ करना है, वो सारी की सारी डिस्कस आज मैं इस वीडियो में करूंगा। BSTC सेकंड काउंसलिंग 2019 थर्ड काउंसलिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे रोने के इमोजी डाल रखे, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। जो विद्यार्थी थर्ड काउंसलिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद करेगा या फिर कुछ काम नहीं करेगा, उसको अंत में रोना पड़ेगा या पछताना ही पड़ेगा। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट नहीं रहेंगे। तो चलिए मित्रों, मैं आपको साथ ही साथ प्रूफ भी दूंगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप तो जानते हो कि NK एजुकेशन हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्रूफ भी देता है। तो मैं आपको इस वीडियो का प्रूफ भी दूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि राजस्थान के अंदर BSTC की फर्स्ट लिस्ट कब जारी हुई थी, तो फर्स्ट लिस्ट जारी हुई थी तब कम से कम एक महीना लगा था। रही बात फर्स्ट लिस्ट से सेकेंड लिस्ट जारी होने में, तो 1 महीना 12 दिन लगे थे। तो यार, इतना टाइम के बाद अगर थर्ड लिस्ट आवे तो 1 महीना 12 दिन ये काट लो, इसका मतलब आपके आ सकती है अगर अक्टूबर एंडिंग तक BSTC की थर्ड लिस्ट आवे तो आपकी पढ़ाई कब होगी। जो विद्यार्थी थर्ड लिस्ट के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार, अगर आप सेकेंड लिस्ट में आपका सलेक्शन नहीं हुआ तो यार, रियल केस में पहली चीज़ तो 50% ही चांस बनते हैं कि आप लोगों का सलेक्शन होगा। अगर आप लोगों का सलेक्शन होगा तो आप लोग रियल केस के अंदर ही BSTC कर पाओगे, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि BSTC के अंदर इस बार थर्ड लिस्ट के लिए सीटें लिमिटेड है। कितनी सीटें हैं वो मैं आज आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी भी प्रकार की थर्ड लिस्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आई है। अगर आपको BSTC से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अपडेट चाहिए तो NK एजुकेशन पर विश्वास कर लेना, क्योंकि NK एजुकेशन सही व सटीक न्यूज बताता है। और मैं कुछ प्रूफ भी आप लोगों को देना चाहता हूँ, वो चले इसी वीडियो में दे देता हूँ। मित्रों, मैं देख रहा हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद, आप देख रहे होंगे यार, BSTC के अंदर 1 अक्टूबर तक का ही प्लान है। अगर आपका सलेक्शन हो चुका है, जो काम करना है 1 अक्टूबर से पहले पहले कर लो, क्योंकि उसके बाद आपका सलेक्शन होने के बहुत ही रियल केस में चांसेज है। 1 अक्टूबर के बाद आपको जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। रही बात सीट खाली होने की, तो आपको 3 अक्टूबर तक अपडेट पता चल जाएगी। तो मित्रों, ये थी अपडेट, मुझे लगा आप तक पहुंचानी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो NK एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि NK एजुकेशन ऐसी ही तड़कती फड़कती न्यूज़ आप तक पहुँचाने का प्रयास करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, और आपको टाइम टू टाइम सही गाइड कर देता है।